प्रधानमंत्री जी, इसकी शुरुआत मेरे जन्म से भी पहले हुई थी। मेरा जन्म भी निवंडे के बाद हुआ और आज उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो रहा है। विशेष रूप से राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और मधुकरराव पिचड़ जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वे उस समय विपक्ष में थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने पूरा सहकार्य किया। लेकिन आने वाली पीढ़ी मराठवाड़ा में, विदर्भ में और उत्तर महाराष्ट्र में अकाल नहीं देखेगी, ये विश्वास मैं आज व्यक्त करना चाहता हूँ। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि ज्यांच्या भूमीमध्ये आपण सगळे या ठिकाणी आलेलो आहोत, ते आपलं आराध्य दैवत, श्रद्धा आणि सबुरीची शिकवण देणारे श्री साईबाबा यांच्या चरणी देखील नतमस्तक होतो। आजच्या या ऐतिहासिक कार्यक्रमामध्ये उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्याकरता साईचरणी आलेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आपल्या भारताचे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे जी, माननीय राज्यपाल जी, माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, माननीय केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, डॉक्टर भागवत कराड इथले भूमिपुत्र आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील जी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित असलेले गिरीश महाजन जी, आमचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे जी, सर्व सन्माननीय खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि उपस्थित सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, आज आपल्या सर्वांकरता अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी 2017 साली आपल्या या ठिकाणी जी काही साई भूमी आहे त्या ठिकाणी विविध विकास कामांचं भूमिपूजन केलं होतं। आपले सुरेश आवरेजी त्यावेळेस आपल्या समितीचे अध्यक्ष होते आणि आम्ही सगळे त्याला उपस्थित होतो आणि आज त्या सगळ्या कामांचं उद्घाटन देखील माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हातानेच होते आहे आणि साईभूमीचा हा विकास खऱ्या अर्थानं आज त्याची सुरुवात माननीय मोदी साहेबांच्या हाताने होते ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। जगभरातनं साई भक्त सातत्याने या ठिकाणी येतात, त्यांच्याकरता अनेक व्यवस्था आणि त्यासोबत वेगवेगळ्या समाज उपयोगी शिक्षणापासनं तर विविध उपक्रम हे या ठिकाणी आजच्या या माध्यमातनं निश्चितपणे करण्यात येत आहेत। यासोबत दुसरी आनंदाची गोष्ट आपल्याकरता आहे की निळवंडेसारखा प्रकल्प प्रधानमंत्री जी, इसकी शुरुआत मेरे जन्म से भी पहले हुई थी। मेरा जन्म भी निळवंडे के बाद हुआ और आज उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो रहा है। तो कितने सालों तक लोगों ने इसका इंतजार किया और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 2016-17 में हमने इसको बहुत बड़े पैमाने पर चालना दी, इसको हमने मान्यता दी, इसको हमने पैसा दिया और मैं विशेष रूप से राधाकृष्ण विखे पाटिल जी और मधुकरराव पिचड़ जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वे उस समय विपक्ष में थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने पूरा सहकार्य किया, इसलिए हम उसको कर पाए और आज हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में उसका भी उद्घाटन आपके हाथों से हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 सालों में महाराष्ट्र को सिंचाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए, इसलिए महाराष्ट्र में सिंचाई के इतनी परियोजनाएं हम लोग यहां पर कर पाए। आज एक और हमारे लिए बहुत ही सुखद दिवस है कि हमने प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर जिस प्रकार से किसानों को मदद मिले इसलिए 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि वो देते हैं, महाराष्ट्र ने भी तय किया कि हम लोग नमो किसान सम्मान निधि यहां पर शुरू करेंगे और 6,000 रुपया हमारे किसानों को उन्हीं के हाथों से हम लोग यहां पर देंगे। आज उसकी भी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रही है। हमारे रेलवे के प्रकल्प हो, अलग अलग बहुत प्रकल्पों का भूमि पूजन और उद्घाटन यहां पर हो रहा है। समय के अभाव में मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि उसकी एवीज भी हम लोग देखने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
महाराष्ट्र का 50% इलाका ये ड्राउट प्रोन है, ये अकालग्रस्त है, सूखाग्रस्त है, यहाँ बारिश नहीं होती, यहाँ पानी नहीं है। और इस इलाके को जब तक हम लोग वहाँ पानी नहीं पहुँचाएंगे, हम महाराष्ट्र में जो आत्महत्याओं का कलंक पिछले 50 वर्षों से लगा है उसको समाप्त नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि केवल आपके आशीर्वाद से और आपके ही नेतृत्व में हम कर सकते हैं, जिसका उल्लेख हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने किया। हमने जो हमारा पश्चिमी वाहिनियों का पानी, पश्चिमी नदियों का पानी जो समुद्र में जाता है, उसको हम लोग गोदावरी के बेसिन में लाकर नगर नासिक नगर से लेकर पूरे मराठवाड़ा को सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था, उसका पूरा खाका हम लोगों ने तैयार कर लिया है, उसका प्रकल्प भी हमने तैयार किया है। और उसके साथ साथ विदर्भ में जो हमारी वैनगंगा नदी है, उसके नीचे से बहके जाने वाला 100 TMC पानी, उसमें से 67 TMC पानी हम लोग पूरे विदर्भ के सूखे इलाके से निकालकर नलगंगा तक ला सकते हैं, जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र, ये तीनों इलाकों को हम हमेशा के लिए सूखा मुक्त कर सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। आपने इससे पहले हमेशा हमको मदद की है, थोड़ी थोड़ी मदद इन प्रकल्पों में केंद्र सरकार भी करे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारी पीढ़ी ने तो महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में और विदर्भ में अकाल देखा, लेकिन आने वाली पीढ़ी मराठवाड़ा में, विदर्भ में और उत्तर महाराष्ट्र में अकाल नहीं देखेगी, ये विश्वास मैं आज व्यक्त करना चाहता हूँ और इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। आप यहाँ पर आए, इन सारे कार्यक्रमों में आपने हमें समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।